ये क्या छोटा सा प्यारा सा ये क्या है छोटा सा सांप है अजगर ये छोटा सा है अबे अजगर का है ये अजगर है ये अजगर तो है दिखने रहा बच्चा है ना। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, कल रात से इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही थी तो आज घर में लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी खत्म हो गया है। बट एक चीज बढ़िया है, मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, पूरे बादल ही बादल। आज बने हैं मस्त छोले चावल। गाइज, मेरा प्लान था पहाड़ पे जाने का, लेकिन एकदम से मौसम फिर से चेंज हो गया, तेज तेज हवाएं चल रही है, फिर से बारिश आ सकती है, तो ऐसे में जाना ठीक नहीं है ना। और बारिश में गाड़ी की हाल देखो भाई, पूरी मिट्टी मिट्टी, तो ये भी धोनी पड़ेगी आज। और गाइज, मुझे डर लग रहा है ये वाला पत्ता कोई भी गिर सकता है, देखो ये पूरा लटका हुआ है ना, ये सीधा पोर्च के ऊपर ही गिरेगा, गिरेगा तो हवा से, तो इसको निकाल देते हैं। कुनाली स्कूल से आ चुका है। अरे निकल गया, गिर गया, चलो बढ़िया। तो भी आ चुके हैं नए घर के छत पे, और भाई आज मौसम देखो कितना मस्त। गाइस, आज बहुत दिनों के बाद बॉय भी आए हैं घर पे। और उनकी वाइफ। ये कौन है? तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ घर के हमारे सबसे टॉप पे, ये देखो यहाँ से तो भाई ऐसा लग रहा है सबसे ऊंचा घर हमारा ही है। और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है तराई के लिए, क्योंकि लेंटर के बाद ऐसे होता है ना, कुछ दिनों तक छोड़ना पड़ता है इसको, तब ये लेंटर मजबूत होता है, इसलिए यहाँ पानी भरा हुआ। अभी देखो भाई डर लग रहा है, अब तो नीचे देखने में, यहाँ से देखो ये पार्क है और ये लिफ्ट वाला एरिया, यहाँ से लिफ्ट आएगी, यहाँ से देखते हैं। चलो आप ही देख लो, मुझे तो डर लग रहा है। रेली ऊपर बहुत मस्त है, आप नहीं आ पाओगे यार, अब जब सीढ़ियाँ बनेगी तभी आ पाओगे आप। गई सर्दियों में आपने कभी किसी पेड़ पे आम देखे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई सर्दियों में भी कितने सारे आम लगे हुए, वो भी लाल लाल हो रखे हैं। और इतने ही नहीं है, पूरे पेड़ में ऊपर देखो भाई कितने सारे लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं। भाई इस वाले पेड़ में ना आप कोई भी आके देख लो, आपको आम दिखेंगे, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी कुछ भी हो। अब खाएंगे गर्मा गर्म समोसे जो कि बॉय भैया लाए थे। तो अब टाइम आ चुका है सुपर कार को धोने का, अपनी सुपर कार को खुद धोना बहुत सेटिस्फाइंग होता है यार। चलो भाई गाड़ी मस्त चमका दी है। गई आज एक और अजगर निकला है, अजगर का बच्चा निकला, ये देखो कितना प्यारा सा है, ये बहुत बड़ा हो जाता है भाई। कितना प्यारा सा है, क्यूट था छोटा सा, इसको भी जंगल में छोड़ना पड़ेगा अब। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कितने सांप हैं यहाँ पे भाई। कितना छोटा सा प्यारा सा, ये क्या है? छोटा सा सांप है, अजगर ये छोटा सा है। अजगर का है, अजगर है ये, अजगर तो है दिखने रहा, बच्चा है ना, ये भी इतना बड़ा होगा भाई, बड़े सॉफ्ट है, वो वाला टाइट था बड़ा वाला। यहाँ और होंगे फिर तो, यहाँ बच्चे और होंगे ऐसे। खुला भी नकली जैसा नहीं लग रहा, नकली जैसा लग रहा है ये, पता है उतना बड़ा होगा, इतना बड़ा वो था। मुझे लग रहा है हमारा सांपों से कुछ नाता है भाई, रोज सांप दिख रहे हैं, रोज सांप। भाई अभी भी स्कूल से आए थे, स्कूल से आते ही इनको सांप दिख गया, हमने कट्टे में डाल दिया, ये देखो अब इसे छोड़ के आना पड़ेगा, अम्मा भी आगे देखने। अगर एक है ना तो ऐसे ही बहुत बच्चे होंगे यहाँ पे, बहुत बहुत होंगे। अरे नेवले खा जाएगा छोटों को, तो नेवले बहुत है। आज वाला सांप निकला है यहाँ से भाई, ईंटों से, ईंट निकाल रहे थे यहीं पे निकला, देखो। चलो अब निकलते हैं, और इसमें सांप है इसको छोड़ देंगे हम जंगल में, रास्ते में जंगल आ चुका है, यहीं छोड़ देते हैं, लेफ्ट में कहीं छोड़ दें। अरे रास्ता तो अच्छा देगा, लास्ट टाइम यहाँ छोड़ा था, यहीं छोड़ते हैं, अब की बार भी सारे सांप यहीं छोड़ेंगे। रोड के पास छोड़ना ठीक नहीं है, तो थोड़ा अंदर चलते हैं। अजगर नहीं लग रहा मुझे, चलो भाई निकल गया घर को, अलग है कुछ उससे। जंगल में सांप छोड़ने आए थे, ये देखो सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे। कहाँ से हो आप? रामपुर से आए हो? भाई रामपुर से आए, मिल गए। गाइज अभी हमने गूगल पे चेक किया, आज जो सांप आया ना वो अजगर नहीं है, वो बहुत ही जहरीला रेसल वाइपर है। हमको डाउट हो रहा था बिकॉज उसका ना लुक थोड़ा अलग था, तो हमने सर्च किया, ये देखो भाई गूगल पे दिखा रहा है, रेसल वाइपर बहुत ही जहरीला होता है, और ये रहा देखो बिल्कुल सेम है, स्किन देखो धारी गोल गोल सा है ना, बिल्कुल सेम है। तो भाई हम तो टच कर रहे थे उसको, हमको लग रहा था कि वो भी अजगर है, अजगर में जहर नहीं होता ना, बट इसमें भाई बहुत खतरनाक जहर होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। एक्चुअली रोज वही पाइथन निकल रहे थे ना वहाँ पे, तो इसीलिए गलती होगी, तो ये गलती आपको भी मत करना, कभी आप सांप दिखे ना उसको इस तरह टच मत करना, अगर आपको पता ना हो कौन सा है इस तरह टच मत करना भाई, हम तो बच गए। अम्मा वाला सांप पता जहर जहरीला था, हाँ, वो मैं तो खा रही थी उसको, वो अजगर नहीं था वो, ये तो मैंने पहले ही कर दिया था, कह दिया था आपने? हाँ मैंने कहा ये जीभ लप लप कर रहा है, ये जहरीला वाला सांप है करके। अच्छा आप समझ गए थे? हाँ वो गुश कहते हैं उसको, गुश, उसका मुंह अलग था ना, अलग से आगे से। तो अभी कुनाली अम्मा और बाबू खेल रहे हैं, यू नो कुनाली ने अम्मा बाबू को भी सिखा दिया है। आ गया खेलना, आ गया ऐसे इसके टाइम पास। अच्छा अच्छा खुद बता रहा है क्या फेंको? ऐसे तो खुद जीतेगा अम्मा, ऐसे तो खुद ही जीतेगा ये, अपने आप जीता हमको। बाबू गलत बताएगा आपको, गलत बताएगा फेंकने के लिए। क्यों देख रहे हैं अम्मा, क्यों देख रहा है? देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं अम्मा, बहुत है अम्मा, अम्मा बोल दो पिंक पिंक, ठीक
लाज के लो नहीं है ले, खुद ही बता रहा है क्या फेंको, उन्हीं के साथ खेल रहे है, क्या फायदा ऐसे? ठीक है, ऐसे तो आप ही जीतोगे। पागल बना रहे आपका, पागल बना रहे अपने आप बनाता है कहा, अरे टाइम पास हो जाएगा उसका, हर समय वहाँ टीवी देखो मोबाइल देखो, हम भी बैठे हैं हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। तो अब खेलते हैं ओरियो के साथ, ये देखो ओरियो का बिस्किट है मेरे पास, कैसे थे ले गया ले गया ले गया। गाइस मेरे को ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने चश्मे से रिलेटेड, भाई इतना ढीला हो गया ना, ये देखो इजीली निकल जाता है, ये देखो ऐसे करने थोड़ा सा भी मुंह हिलाता हूँ ऐसे हिल जाता है, तो ये बहुत ज्यादा ढीला हो गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसका फ्रेम चेंज करा देता हूँ, ऐसे हल्का सा भी करता हूँ तो कहीं भी, भाई भीड़ में तो ऐसे गिरता है ना कहीं पे, थोड़ा सा भी एकदम झटका लगे कहीं भागता हूँ तो भाग तो पाता ही नहीं बिल्कुल भी इसके डाल के मैं। तो अभी आ गया हूँ चश्मा चेंज कराने के लिए, और अभी कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? ये देखो एक में लेंस है एक में लेंस नहीं है, तो मेरे को सेम फ्रेम चाहिए सेम, इसलिए एक निकाल लिया, अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा मिलेगा। और इतना अजीब सा लग रहा है ना, एक आँख से क्लियर दिख रहा है एक से क्लियर नहीं दिख रहा, अजीब सा लग रहा है। तो गाइस एक फ्रेम तो मिला बट कलर दूसरा है, ब्लू कलर है, ये भी सेम ही है बस सेम है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस, कुछ लग रहा है डिफरेंस नहीं अब तक नहीं पता चल रहा है। तो गाइस मैंने यही वाला फाइनल कर लिया, ये ब्लू कलर है बट ब्लू लग नहीं रहा, देखो ब्लैक ही लग रहा है, पहले की तरह ही लग रहा है। अब देखो अब नहीं हिल रहा, अब कितना भी हिल लूं मैं, बाल भी कटवाने जाना है। अब आए हैं तो आंखें भी चेक करा लेते हैं अपनी, काफी टाइम हो गया आंखें चेक नहीं कराई ना। आपका तो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, सेम नंबर है ना, इसमें भी वैसा ही दिखा रहा है। गाइज मेरा नंबर तो सेम है, 5-6 साल हो गए मेरा बढ़ नहीं रहा, चलो सही है, लेकिन निम्न का बढ़ चुका है। तो गाइज अब आ गया हूँ बाल कटाने के लिए, थोड़े ज्यादा बड़े हो गए ना तो इनको थोड़े थोड़े छोटे करवा लेते, ये कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं ये वाले ना, कान भी नहीं दिख रहे, देखो ये गर्दन के लिए। तो गाइज फाइनली कटिंग हो चुकी है बट आपको लग नहीं रही होगी, बट मेरे को लग रही है, देखो तो मैंने हल्के से करवाए हैं बट सही है। चलो मम्मी जी को दिखाते हैं, लग रहे हैं हाँ। लग रहे हैं अम्मा, थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं हाँ। लग रहे हैं लग रहे हैं बाल कटवाए लग रहे हैं, चलो भाई मम्मी को लग रहे हैं। तो गाइज आज का डिनर है हमारे नए वाले घर पे, ये देखो इतने सारे, आज हम कर रहे हैं पार्टी नए वाले घर में मस्त, पालक पनीर रायता गेम फ्रीड भैया मैं बना नहीं हूँ बन रहे आज, चिली पनीर छोले, आज बहुत कुछ है खाने में। तो डिनर हो चुका है, मस्त बातें बातें करी हमने, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखो कुनाली ने क्या कर दिया, सारे यूनो के पत्तों को इस तरह से रख दिया, लेकिन प्यारा लग रहा है ना, है ना, ऐसा लग रहा है टेबल का डिजाइन है, ऐसा बना सकते हैं वैसे, कांच के नीचे रख दो इसको।